हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी बच्चों? कल की क्लास में हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कोई द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे निरूपित करना है और उसके बाद में इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू रखते हुए, एक्स के संगत मान रखते हुए वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको लेट कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव है। तो ऐसे एक छोटी सी टेबल बना देते हैं और इसमें हम लोग वाई एक्स के अलग अलग वैल्यू रखते हुए वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जब एक्स की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस फाइव। फिर x इज इक्वल टू वन रख लेते हैं, x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये वन हो गया, वन के स्क्वायर वन, फोर इंटू वन माइनस फाइव। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वन माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस फोर माइनस फाइव कितना हो गया, माइनस का नाइन, और वन उसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का एट। फिर हम लोग रखेंगे y इज इक्वल टू टू, जब y इज इक्वल टू टू रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू माइनस फाइव, तो यहाँ फोर माइनस एट माइनस फाइव, तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा तो एट और फाइव थर्टीन हो गया, थर्टीन माइनस फोर करेंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का नाइन। अब x इज इक्वल टू थ्री रख लेते हैं, जब हम x इज इक्वल टू थ्री रखते हैं तो यहाँ थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री माइनस फाइव, तो यहाँ कितना हो गया, नाइन माइनस फोर थ्री जै ट्वेल्व माइनस फाइव, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया ट्वेल्व और माइनस फाइव सेवनटीन, सेवनटीन में नाइन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एट माइनस का, कितना बचा, माइनस का एट। अब कुछ वैल्यू माइनस में रख लेते हैं, माइनस वन रखते हैं, जब हम यहाँ माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन रखने पे माइनस वन का, ये माइनस वन का स्क्वायर फोर इंटू माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा और ये माइनस माइनस, प्लस का फोर हो गया और ये माइनस का फाइव, वन प्लस फोर फाइव और ये माइनस का फाइव कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ज़ीरो। इसके बाद में वाई की वैल्यू रख लेते हैं माइनस टू, तो माइनस टू रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस का टू और ये माइनस का फाइव, माइनस का टू का स्क्वायर फोर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर टू जा एट माइनस फाइव, एट और फोर कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व माइनस फाइव, ट्वेल्व तो कितना बचा, सेवन, तो यहाँ कितना आ गया, सेवन। अब चाहें तो एक दो वैल्यू और बढ़ा के निकाल सकते हैं, एक दो वैल्यू और बढ़ा लीजिए अगर चाहें तो, थोड़ा सा ग्राफ बनाने में आसान रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग वाई की वैल्यू वन टू थ्री रख चुके थे, फोर रख लेते हैं, जब फोर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस का फोर माइनस का फाइव, तो फोर का स्क्वायर कितना हो गया, सिक्सटीन, फोर तक प्लस का फोर रखा गया है और ये फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस फाइव, तो प्लस का सिक्सटीन माइनस का सिक्सटीन कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना गया, माइनस का फाइव, बस इतना ही रहने दीजिए। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, बना देते हैं।
ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x डैश ये y डैश। मैक्सिमम हमारा कहाँ तक जा रहा है, माइनस नाइन जा रहा है और इधर प्लस का सेवन। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर पुट कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पहला पॉइंट हमारा x पे है 0, तो 0 तो यहीं पे हो जाएगा ओरिजिन पे। दूसरा पॉइंट है -5 y पे -5 यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा बना 0 और -5। दूसरा पॉइंट हमारा x पे कितना है 1, तो x पे ये 1 हो गया और y पे कितना है -8, तो -8 ये आया ये, और इसको डॉटेड करके यहाँ लाते हैं ये, तो लगभग यहाँ पे ये मिलेगा। तो 1, -8 ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर x पे दूसरा पॉइंट हमारा है 2, ये 2 हो गया और y पे हमारा है 9, तो यहाँ से डॉटेड करके इसको लाएंगे और इसको ये, तो ये हमारा हो गया 2, -9। तीसरा हमारा है 3, तो x पे 3 ये हो गया और y पे -8, तो ये इसके सामने से ये बन जाएगा ये, तो यहाँ कितना हो गया 3, -8। फिर -1 x पे -1 इधर आ जाएगा और इस पे 0 y पे, तो 0 ये हो गया ये, यहाँ पे पॉइंट बना कितना x -1, 0। फिर -2 और 7, -2 यहाँ आ गया और 7 यहाँ पे आ गया ये डॉटेड और ये डॉटेड ऐसे, तो यहाँ पे आ गया -2 और 7। फिर 4 और -5, तो x पे हमारा है 4, तो x पे हमारा 4 ये आ गया और y पे हमारा कितना है -5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे डॉटेड ये और ये, तो ये आ गया 4 और -5। अब ये जो पॉइंट हैं इनको हम लोग मिला देते हैं। पहला पॉइंट ये हमें मिला ये ऐसे मिलाते हुए ये, दूसरा पॉइंट ये मिला, तीसरा पॉइंट ये मिला, चौथा पॉइंट ये मिला, पांचवा ये मिला, ऐसे मिलाते हुए, ठीक है। चाहो तो एक दो पॉइंट और बना लो ताकि ये ग्राफ ऊपर चला जाए, यहाँ पॉइंट थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ग्राफ क्या हो जाए ऊपर चला जाए। तो एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, अगर वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 5 - 5, ये हो गया 25, 4 × 5 = 20 और ये -5, 25 और ये यहाँ पे कितना आ गया -20 और ये 25, ये कैंसिल हो गया, आ गया 0, वाई की वैल्यू 0। तो अगर x पे हम 5 रखते हैं तो y पे कितना आ जाएगा 0, ये 0 आ गया, तो पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा 0, 5, 0। तो ये यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें कहा गया था कि रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट तो कर दिया हम लोगों ने, रिप्रेजेंट करने के बाद में साथ ही साथ में और क्या करना है, इसका हमें आंसर भी निकालना है, पॉइंट भी निकालना है, x की वैल्यू भी मतलब फाइंड करनी है ग्राफ देख के। तो ग्राफ देख के x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट ये x एक्सिस पे कट किया, दूसरा ये कट किया, दो जगह। तो हमें पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये जो पहला वाला पॉइंट होता है ये x होता है, दूसरा वाला y होता है, इसी तरीके से इसमें ये x और ये y, तो जो आंसर होगा तो x इज इक्वल टू पहले वाले पॉइंट से क्या निकला -1 और दूसरे वाले पॉइंट से x इज इक्वल टू कितना निकलेगा 5, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये शून्यक हो जाएंगे x के जीरोज, इसमें शून्यक भी फाइंड करने थे ना, इस तरह से हम लोग ग्राफ बना लेंगे।
एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ है x, x डैश, y और ये y डैश। ग्राफ कुछ इस तरह से है, यूं करके यूं। और इसमें पूछा गया है, ये सेंटर O है और इसमें बताया गया है कि इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि इसके जीरोज की संख्या कितनी, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हमें पता है शून्यक वही होते हैं जो x एक्सिस पे कट करते हैं। तो ये जो लाइन जा रही है, जो ग्राफ है, ये x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? तो एक जगह पे, इस जगह पे सिर्फ कट कर रहा है। जितनी जगह पे कट करेगा उतने शून्यक होंगे, सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। शून्यकों की संख्या एक। अब हम लोग समझेंगे जो शून्यक और गुणांक में संबंध, शून्य और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे किसके लिए? रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद के लिए कैसे समझेंगे? रैखिक बहुपद कैसे निकालते हैं? मान लो कोई रैखिक बहुपद है y, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, या पी एक्स इज इक्वल टू मान लो, या y मान लो, पी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो शून्यक है वो क्या है? k है, ठीक है। और a जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो इसकी जगह पे पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए के प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि ए एक्स प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल दिखाएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी अपॉन ए। ये किसके लिए है? रैखिक बहुपद के लिए है। यानी हमने क्या समझा, जो b है वो किसका गुणांक है? अचर पद का, अचर पद का बटे x का गुणांक, अचर पद का गुणांक बटे x का गुणांक, आगे माइनस। तो ये संबंध किसमें दिखाया गया है? रैखिक बहुपद के शून्यक फाइंड करने के लिए, गुणांक, गुणांक से कैसे फाइंड करेंगे वो दिखाया गया है।